अलमेकम एवरी वन वेलकम टू फार्मा हेल्थ जोन आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे दैट इज़ द पोसोलॉजी और हम देखेंगे कि पोसोलॉजी का वर्ड किन ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है और डिफरेंट डेफिनेशंस को ओवरव्यू करेंगे जो कि पोसोलॉजी से रिलेट कर रही हैं सो फर्स्ट इज़ द डेरिवेशन पोसोलॉजी का लफ्ज़ दो ग्रीक वर्ड से निकला है वन इज़ द पोजोस एंड सेकेंड वन इज़ द लोगोस पोजोस मीन्स हाउ मच एंड लोगोस मीन्स साइंस द स्टडी ऑफ मीन्स इट्स द स्टडी ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्रग इज़ टू बी रिक्वायर्ड सो डेफिनेशन अगर देखें पोसोलोजी इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी ये फार्माकोलॉजी की ही फर्दर एक्सटेंशन है उसी में ही एक फील्ड है मीन्स ड्रग रिलेटेड ब्रांच है जिसमें स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि कितनी अमाउंट ऑफ मेडिसन डोजिंग के लिए रिक्वायर्ड है सो दैट ह्यूमन बीइंग्स में जाके वो थेरारेप्यूटिक इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस कर सके जिस किस्म की डिजीज़ है उसको एलिविएट कर सके ख़त्म कर सके और जिस थेरेपी के लिए जिस इलाज के लिए हम रिकमेंड कर सकें हैं अपना रिकमेंड कर रहे हैं अपना डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सके नेक्स्ट डेफिनेशन टू बी डिस्कस्ड इज़ प्लेसिबो प्लेसिबो बेसिकली हम ऐसे ड्रग के लिए ऐसे सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि बेसिकली होता इनएक्टिव है लेकिन हम ये पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं स्पेसिफिकली ऐसे पेशेंट को जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स वी कैन से होते हैं तो बेसिकली ये इंग्रेडिएंट, ये सब्सटेंस उनकी ड्रग थेरेपी के लिए काम करता है लेकिन इसका पर्पस सिर्फ यही है कि वे पेशेंट की सेटिस पेशेंट की साइकी नीड को सेटिस्फाई करेगा और अगर हम अपनी स्टडीज़ में देखें तो ये कंट्रोल्ड स्टडीज़ में यूज़ होता है ताकि हम इसको बेस बना के अपना जो एक्चुअल मेडिसिनल सब्सटेंस है उसकी एफिशिएंसी को उसकी ताकत को उसकी एबिलिटी को डिटरमिन कर सके जज कर सके अगर हम रिसेंटली देखें तो कोरोना वैक्सीन के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि उसमें कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं है जस्ट पेशेंट की साइकिन एड को सेटिस्फाई करने के लिए वैक्सीनेशन लगाई जा रही थी नेक्स्ट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द ड्रग ड्रग वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि ये ऐसा सब्सटेंस होता है जब बॉडी के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमारा जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होता है उसे चेंज करता है अपने किसी भी केमिकल एक्शन के थ्रू मतलब बॉडी के अंदर जब हम इसे एडमिनिस्टर करते हैं तो इसकी फॉर्मेको होती हैं फॉर्मेको होती हैं कि ड्रग बॉडी के अंदर जाके क्या एक्शन प्रोड्यूस करती है और इन रिटर्न हमारी बॉडी इस ड्रग के अगेंस्ट क्या इफ़ेक्ट देती है तो ऐसी चीज जो कि बॉडी के अंदर जाके अपना केमिकल एक्शन शो करे और बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंज लाके आए दैट विल बी द ड्रग इनको हम जीनोबायोटिक्स भी कहते हैं मींस के ऐसी चीज़ जो कि बॉडी को बाहर से एडमिनिस्टर करवाई जाए फॉर एनी पर्पस नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ द प्रो ड्रग प्रो मीन्स बिफोर एंड ड्रग मीन्स एनी सब्सटेंस एनी मेडिसिनल सब्सटेंस एनी जीनोबायोटिक्स मीन्स एज अ नेम इंडिकेट के ये ड्रग जो है हम बाहर से एक्टिव फॉर्म में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे ये ऐसा कंपाउंड है जो के बाहर इनएक्टिव होता है लेकिन जैसे ही हम इसे बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं इस ये इसके अंदर कुछ केमिकल कन्वर्जनस होती हैं कुछ केमिकल चेंजेस आती हैं मेटाबॉलिज्म होता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है एक्टिव ड्रग में फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास मेडिसन है लिवोडोपा कन्वर्ट होती है डोपामीन की फॉर्म में ये ऐसी मेडिसन है जिसको हम पार्किसन डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं हमारे जो एक्टिव चीज़ है दैट इज़ द डोप लेकिन हम डोपामीन को डोपामीन के फॉर्म में एडमिनिस्टर नहीं कर सकते बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते द रीज़न इज़ इसकी बेसिकली दो रीज़न्स हो सकती हैं या तो इसकी परमिएबिलिटी बहुत कम होती है कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती यह ये है कि इसकी हाफ़ लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है कि जैसे ही हम इसे एडमिनिस्टर करेंगे तो ये रास्ते में ही डिज़ायर्ड साइट तक पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है दैट्स वाई हम अपनी एक्टिव ड्रग को प्रो ड्रग की फॉर्म में वी कैन से इनएक्टिव ड्रग की फॉर्म में बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं ताकि साइट ऑफ एक्शन पे जाके साइट ऑफ टारगेट पे जाके ये एक्टिवली हमें अवेलेबल हो सके सो हेयर इज़ द ग्रामेटिकली डिफरेंस बिटवीन द प्रो ड्रग एंड द एक्टिव ड्रग प्रो ड्रग में क्या है ड्रग हम एडमिनिस्टर करेंगे बाहर से मेटाबॉलिज्म से पहले पहले ये इनएक्टिव होती है जैसे ही इसका मेटाबॉलिज्म होता है इस्पेशली इन द लीवर तो ड्रग जो है वो एक्टिव हो जाती है आफ्टर मेटाबॉलिज्म और एक्टिव होने के बाद ही पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जबकि एक्टिव ड्रग चूंकि बाहर से ही वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है तो जैसे ही हम उसे एडमिनिस्टर करेंगे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगी और एब्जॉर्बन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ द डोज़ डोज वो है ड्रग की अमाउंट जो कि हमने हर टाइम एक इंडिविजुअल लेता है कितनी क्वांटिटी लेता है एक टाइम में यूनिट टाइम में लेट सपोज एक टाइम में कोई भी मेडिसन है उसकी हम ट्वेंटी एम ले रहे हैं टेन एम ले रहे हैं या टू ड्रॉप्स ले रहे हैं फॉर आ यूनिट टाइम उसको हमने कैलकुलेट करना है एज द डोज एंड नेक्स्ट इज़ द डोज डोजिट जो है ये हमें ड्रग रेजिम के बारे में भी गाइड करता है ये बेसिकली वो अमाउंट होती है ड्रग की जो कि एक इंडिविजुअल को उसके पर यूनिट बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है या जिसके अकॉर्डिंग हम डिटरमिन कर सकते हैं एंड रेगुलेट कर सकते हैं साइज़ फ्रीक्वेंसी एंड द नंबर ऑफ द डोजेज लेट सपोज के एक पेशेंट है उसे फाइव डेज़ का कोर्स दिया गया एंटीबायोटिक्स का और एक टाइम में वो ले रहा है फाइव हंड्रेड एम जी फाइव हंड्रेड एम जी वन टाइम और वो उसने लेनी है सुबह शाम और लेनी है फ़ाइव डेज़ मतलब फ़ाइव डेज़ में दो दफ़ा फ़ाइव इंटू टू टेन और एक टाइम में वो ले रहा है फाइव हंड्रेड फाइव इंटू टेन मल्टीप्लाइड बाई फाइव हंड्रेड ये जो फाइव थाउजेंड आ जाएगी ये होगी उसकी डोजेज मतलब ओवरऑल जो उसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है दैट विल बी द डोज़ेज और एक यूनिट टाइम में एक सिंगल टाइम में जितनी अमाउंट ले रहा है ड्रग की दैट विल बी द डोज़ so this is the minor difference between dose and dosage hope you will find found this video very productive very important very helpful thank you for watching allah hafiz till the next video